भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया पर्दाफाश। दो महिला और चार पुरुषों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद अमरोहा के हसनपुर में चल रहा था भ्रूण लिंग जांच करने का गोरख धंधा। वहीं अमरोहा स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ था गहरी नींद में, तभी हापुड़ स्वास्थ्य विभाग टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। भ्रूण लिंग जांच करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा के हसनपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण का यह गोरख धंधा चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए हसनपुर के एक बंद पड़े मकान में चल रहे लिंग परीक्षण के गोरख धंधे का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाएं और चार पुरुषों को गिरफ्तार किया है। वहीं लिंग परीक्षण करने की मशीन इन्वर्टर पेट्रा को भी स्वास्थ्य विभाग में बताया जा रहा है कि यह लोग गाड़ियों की अतला पत्ती कर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को गुमराह करते थे। हापुड़ स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ दिनेश खत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत आज भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाली मशीन के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी के खिलाफ कोतवाली हसनपुर में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अमरोहा स्वास्थ्य विभाग को सूचना देती रही, लेकिन कई घंटे की लेट लतीफी से स्वास्थ्य विभाग अमरोहा मौके पर पहुंचा, जिसके चलते जनता में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जो यहाँ टीम आई है किस कार्य से आई है? ऐसे हम लोग अभी जो प्रधानमंत्री जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान जो चल रहे हैं, इसमें होने वाले लड़का लड़की भ्रूण लिंग जांच के ऊपर कार्रवाई करते हुए चलते हुए आ रहे हैं। हमें पता चला था कि हापुड़ में आज कोई हरियाणा से पेशेंट आ रहा था और उसको फिर हम लोग जब फॉलो करते हुए वहाँ से चले हैं, तो हमें ये यहाँ हसनपुर के सैद नंगले रोड पे इस घर में सेक्स भ्रूण लिंग जांच करते हुए रंगे हाथों हम लोगों ने पकड़ लिया। ये महिला हरियाणा की रहने वाली है, इसने संपर्क किया किसी मोदी नगर वाले व्यक्ति से। मोदी नगर वाले व्यक्ति ने पहले हापुड़ लेके आया, हापुड़ से फिर इसको गाड़ी करके यहाँ पर लेके आया, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या अब इनके खिलाफ PCPNDT एक्ट की धाराओं के तहत काम किया वो कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें अन्याय IPC की धाराएं बने उसमें FIR दर्ज करके इनको जेल भेजा जाएगा। क्या हंगामा भी कुछ यहाँ पे हुआ है ऐसा सुना? यहाँ कुछ थोड़ा सा गांव के लोग निकल रहे थे तो उन लोगों को थोड़ी गलत फहमी हुई थी, तो वो इकट्ठा आके यहाँ गलत समझ बैठे थे और उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसको अभी पुलिस महकमे ने आके शांत कर दिया है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।